गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आई एम ममता शाह, योर ईवीएस टीचर। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज आप सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम 2 कोर्स बुक पेज नंबर 12। कल 11 नंबर पेज तक हमने पढ़ लिया था और हमने क्या देखा था, हम थोड़ा सा उसको रिपीट करेंगे। हमने ये देखा था कि फेस्टिवल्स कितनी तरह के होते हैं। उसमें हमने देखा कि फेस्टिवल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रिलीजियस फेस्टिवल एंड द सेकेंड इज नेशनल फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल उस तरह वे फेस्टिवल होते हैं जो हम हमारे घरों में सेलिब्रेट करते हैं, जैसे एग्जांपल दिवाली, होली, दशहरा, और अभी कुछ दिनों पहले आपने 14 डेट को मकर संक्रांति सेलिब्रेट की होगी। सेकेंड हमने देखा नेशनल फेस्टिवल, जिसमें आते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फेस्टिवल। नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, जो हमारा सारा देश मनाता है। ओके, देन टुडे वी स्टार्ट न्यू पेज, पेज नंबर 12। अभी सभी बच्चे क्या करेंगे, कोर्स बुक वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 12 को ओपन करेंगे और मेरे साथ ही रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, यस लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा ईद कौन सा फेस्टिवल होता है। ऑन ईद वी गो टू ए मॉस्क्यू टू प्रे। मॉस्क्यू क्या होता है, मॉस्क्यू का वर्ड मीनिंग मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद। मस्जिद वो होता है जहाँ पे मुस्लिम्स प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और उस त्यौहार को, उस फेस्टिवल को वो क्या नाम से मनाते हैं, ईद। वी ईट सेवैयाँ एंड वेयर न्यू क्लोज। उस दिन वो मिठाई के रूप में, जैसे हम मिठाई बनाते हैं, मुस्लिम्स ईद के दिन सेवैयाँ बनाते हैं और नए नए कपड़ों को पहनते हैं। फूड एंड गिफ्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड द पुअर। उस दिन ईद के दिन गरीब लोगों को वो गिफ्ट्स और खाने पीने की चीज़ें और क्लोथ्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। ये होता है उनका त्यौहार, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा। ये मॉस्क्यू का पिक्चर बना हुआ है और लोग यहाँ पे प्रे करने के लिए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट वी स्टार्ट लेट्स ट्राई टू। इसमें क्या करना है बच्चों, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल शोन इन द पिक्चर वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें हमें ये करना है कि यहाँ पे आपको कुछ नीचे पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, उन पिक्चर्स को समझ के और हमें फेस्टिवल्स के नेम राइट करने हैं। नेम राइट कहाँ करेंगे, ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उनके नीचे जो ब्लैंक दिए हुए हैं उनके नीचे हमें उन फेस्टिवल्स के नेम राइट करना है। फर्स्ट पिक्चर देखिए, ए फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है कि कुछ बच्चे रंगों से खेल रहे हैं, पिचकारियों से खेल रहे हैं और कलर की बकेट बाल्टी भरी हुई है। तो ये कौन सा फेस्टिवल है बच्चों, जिसमें हम रंगों के साथ खेलते हैं, ये फेस्टिवल है होली का। ये त्यौहार है रंगों का, जिसको हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। देन आवर सेकेंड पिक्चर बी, ये पिक्चर को देखेंगे हम ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें एक मॉस्क्यू का पिक्चर नज़र आ रहा है और कोई दो लोग आपस में गले मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये मॉस्क्यू मैंने अभी आपको आगे कुछ ही देर पहले ये समझाया था कि मॉस्क्यू में क्या होता है, मुस्लिम्स लोग प्रे करने के लिए जाते हैं और उस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं, ई आई डी ईद। यस मम्मी का फोन। सी थर्ड में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, कुछ लोग क्रैकर्स जला रहे हैं, दिए जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है कि लाइट का फेस्टिवल कौन सा होता है, हमने कल पढ़ा भी था, लाइट का फेस्टिवल होता है, सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, दिवाली। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिवाली, DIWALI, दिवाली। दिवाली लाइट का त्यौहार होता है और दिवाली पे हम सब क्या करते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और मिठाई खाते हैं। देन नेक्स्ट फेस्टिवल डी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो एक प्यारा सा सेंटा दिखाई दे रहा है और उसे गिफ्ट लेते हुए कई बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और एक पीछे क्या है, बैक साइड में क्रिसमस ट्री दिखाई दे रही है और एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेकोरेशन हो रखी है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, सेंटा हमें विशेष गिफ्ट्स कब देते हैं, वो देते हैं क्रिसमस के दिन।
क्रिसमस कब मनाया जाता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रिसमस मनाया कब जाता है। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं वो इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और उनका ये मानना है कि रात में सेंटा क्लॉज आते हैं और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट देके जाते हैं और उनकी विशेस को पूरी करते हैं। तो बच्चों, क्रिसमस की हम क्या स्पेलिंग लिखेंगे? CHRISTMAS लिख लिया होगा शायद आप सभी ने। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट फेस्टिवल इज गुरुपुरब। क्या स्पेलिंग है गुरुपुरब की? GURUPURAB। गुरुपुरब कौन मनाता है? बच्चों, गुरुपुरब पंजाबी लोगों का त्यौहार है। वे इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब आप लोग मेरे साथ यहाँ से रीड करेंगे। गुरुपुरब इज सेलिब्रेटेड टू रिमेम्बर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु, गुरु नानक। सबसे पहले ये देखेंगे कि गुरुपुरब किस खुशी में मनाया जाता है। गुरुपुरब सिखों के, पंजाबियों के पहले गुरु श्री गुरु नानक जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऑन दिस डे वी गो टू द गुरुद्वारा टू प्रे एंड हैव फूड विथ एवरीवन, जिसको बोलते हैं लंगर। इस दिन क्या होता है, जो पंजाबी लोग रहते हैं वे अपने गुरुद्वारा में जाते हैं। जैसे हिंदू लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? टेम्पल में, मंदिर में। मुस्लिम लोग कहाँ पे जाते हैं पूजा करने के लिए? मॉस्क्यू में, यानी मस्जिद में। उसी तरह से पंजाबी लोग पूजा करने के लिए जाते हैं गुरुद्वारा में, और वहाँ पे भी भगवान को, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये पिक्चर है गुरुद्वारा का। यहाँ पे लोग जाते हैं प्रेयर करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए, और वहाँ पे सभी लोगों को एक साथ बिठा के खाना खिलाया जाता है, जिसको बोला जाता है लंगर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लंगर? LANGAR। और ये पिक्चर आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि गुरुद्वारा क्या होता है। ओके, देन टर्न टू पेज नंबर 13। आपने ओपन कर लिया पेज नंबर 13? यस, गुड। नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस, जो कि आपने पिक्चर में देख लिया होगा। अब यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। ऑन क्रिसमस वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस जीसस क्रिस्ट के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। वी डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज, लाइट अप अवर हाउसेस एंड सिंग क्रिसमस कैरल्स। इस दिन क्या होता है बच्चों? इस दिन ये होता है कि क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है, चारों तरफ लाइट लगाई जाती है, कैंडल्स लगाए जाते हैं, और हाउसेस को डेकोरेट किया जाता है, और क्रिसमस कैरल्स मतलब क्रिसमस सॉन्ग बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं, और सभी उस पर डांस करते हैं। सेंटा क्लॉज इज सेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स ऑन द नाइट बिफोर दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल के एक दिन पहले रात में सेंटा क्लॉज आते हैं और सभी को गिफ्ट देके जाते हैं। समझ गए आप सभी बच्चे? ओके, वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में हम लोग फिल करेंगे लेट्स ट्राई 3। ओके बच्चों, लेट्स ट्राई 3 हम कब फिल करेंगे? कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।